आप सब कैसे हैं बच्चों? मैं आपकी अध्यापिका नुपुर मैम। ठीक है बच्चों? बच्चों, मैं इससे पहले वीडियो में आपको अ की मात्रा के बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक वर्ण को जब हम अपने मुख से बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है तो वो क्या निकलती है, अंत में अ की ध्वनि। जैसे कि क, हमने क वर्ण लिया तो क को बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही है क के साथ अंत में अ की निकल रही है। क्या निकल रही है? अ की। एक बार फिर से अभ्यास कीजिए। क, ख, ग। तो अंत में वर्ण के साथ जो ध्वनि निकल रही है वो क्या निकल रही है? अ की ध्वनि। ठीक है, तो इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है, पर इसके बिना शुरू हिंदी भाषा भी नहीं होती है। ठीक है, तो हिंदी में स्वर स्वर है, कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो हम पहला स्वर क्या है? अ है। ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन इसको मुख से जब हम बोलते हैं किसी भी वर्ण के साथ तो अंत में हमारे मुंह से अ की ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो हमने ऐसे ही बिना अक्षर बिना मात्रा वाले कुछ शब्द पढ़े थे, दो अक्षर वाले और तीन अक्षर वाले और चार अक्षर वाले। ठीक है, तो उन्हीं फिर से हम क्या पढ़ेंगे, एक पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, अमन मिला के क्या हुआ? अमन, अमन, अब, अब, घर, घर, चल, चल। ठीक है, अब हम एक साथ पढ़ेंगे, अमन, अब, घर, चल, अमन, अब, घर, चल। ठीक है, ख, त, प, ट, खटपट, म, त, मत, कर, कर। अब एक साथ मिला के पढ़ते हैं बच्चों, खटपट, मत, कर, झ, ट, प, ट, झटपट, अचकन, अचकन, पहन, पहन, फ, ल, फल, च, ख, चख, इधर, इधर, उधर, उधर, म, त, मत, टह, ल, टहर। ठीक है, अब हम फिर से एक साथ पढ़ेंगे सबको, अमन, अब, घर, चल, खट पट मत कर, छट पट अचकन पहन, फल चख, इधर उधर मत टहल। ठीक है, इसी तरह हम शब्दों से क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द। ठीक है, तो इनसे हमने क्या बनाया? वाक्य बना दिया। ठीक है, अमन, अब, घर, चल, खटपट मत कर, झटपट अचकन पहन, फल चक, इधर उधर मत टहल। ठीक है बच्चों, एक बार आप फिर से इसे पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा, यह है पेज नंबर 11। ठीक है, अब हम दूसरा पेज देखते हैं, चित्र देखकर शब्द लिखो। ठीक है, आपको क्या करना है, इधर देखिए चित्र बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपके सामने आपकी किताब में, हिंदी की किताब में क्या बने हुए हैं? चित्र बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, चित्र देखकर उसके सामने सही शब्द को लिखना है। ठीक है, ये किसका चित्र बना है बच्चों? कमल। ठीक है, किसका है? कमल। तो हम क्या लिखेंगे? क, म, ल, कमल, क, म, ल, कमल। ठीक है, ये क्या है, ये किस चीज का चित्र बना है बच्चों? अचकन का। ठीक है, अ, च, क, न, अचकन। अब ये क्या है? फल, फ, ल, फल, फ, ल, फल। ये किस चीज का चित्र बना है बच्चों? नल, न, ल, नल। ये है मटर, मटर। ठीक है बच्चों, मटर, मटर। ये किस चीज का चित्र बना है बच्चों? कप, क, प, कप, क, प, कप। ये क्या है बच्चों? जी हाँ, ये क्या है? थर्मस, थ, र, म, स, थर्मस। ये क्या है बच्चों? बतख,
बतख, बतख, ठीक है। इसी तरह आपको इस पेज को भी पूरा करना है, पेज नंबर 12 है ये, ठीक है बच्चों। इसको भी आपको हिंदी की किताब में ही अपनी करनी करना है, ठीक है। एक और पेज देख लेते हैं। चित्र देखकर शब्दों को पूरा करो तथा चित्रों में रंग भरो, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, ये चित्र बने हुए हैं, ठीक है, और चित्र के सामने एक एक शब्द लिखा हुआ है और एक वर्ण है और उसके सामने एक खाली जगह बनी है, ठीक है। तो जहाँ पे खाली जगह है उसमें एक और वर्ण लिख के फिर आपको एक शब्द बनाना है, ठीक है। तो ये किस चीज का चित्र बनाया है बच्चों? जी हाँ, ये क्या है, खर, घ, और यहाँ पे आपको कौन सा वर्ण लिखना है, र, खाली जगह में क्या लिखना है, र, तो मिला के क्या बन जाएगा, घर, ठीक है, घर। ये क्या है बच्चों, बस, तो यहाँ पे खाली जगह स, तो ये खाली जगह में आपको कौन सा वर्ण लिखना है, ब, ठीक है, ब और सा को मिला के क्या वर्ण बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा बच्चों, बस, ठीक है। इसी तरह क्या है बच्चों, अजगर, ठीक है, तो अ खाली जगह ग खाली जगह, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, खाली जगह में कौन सा वर्ण भरना है, अ ज, ज भरना है, ठीक है, फिर ग के बाद रा वर्ण भरना है, ठीक है। तो इनको मिला के कौन सा वर्ण बने, कौन सा शब्द बनेगा बच्चों, अ ज ग र, अजगर, ठीक है। इसी तरह ये भी देखिए, ये क्या है बच्चों, ब खाली जगह र, फिर खाली जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग, फिर द, ठीक है। ये किस चीज का चित्र है, बरगद का, ठीक है, तो ब र ग द, बरगद, ठीक है। इस तरह आपको यहाँ पे बरगद लिखना है और इनमें क्या करना है, आपको रंग भी भरना है, ठीक है। आपको ये किसमें करना है, आप अपनी हिंदी की पुस्तिका में करना है, ठीक है। तो कौन कौन से पेज नंबर आपको करना है, 11 पेज, ये पेज नंबर 11 आपको पढ़ना है दोबारा से, ठीक है। और इसके बाद है पेज नंबर 12, ये आपको चित्र देखकर शब्द लिखने हैं। इसके बाद है पेज नंबर 13, ठीक है, पेज नंबर 13, इसमें आपको क्या करना है, खाली जगह में वर्ण लिख के शब्द को बनाना है, लिखना है और उसको पढ़ना भी है, ठीक है। पढ़ के उसके बाद आप ये क्या करेंगे, ये इन सभी चित्रों में आपको रंग भी भरना है, ठीक है, ये आपका गृह कार्य है बच्चों, ठीक है। सभी सभी शब्दों को आप दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।